नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे नीतीश। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, जरूरत पड़ने पर खुल भी जाएगा बीजेपी। सियासी घमासान के बीच लालू ने कल बुलाई आरजेडी एमएलए की बैठक, कांग्रेस ने भी सभी विधायकों को एक साथ बुला लिया। आरजेडी का नीतीश को अल्टीमेटम, जदयू ने दिया जवाब। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा बोले, बीजेपी की कृपा से बनेंगे सीएम। बिहार में 3 दिनों तक प्रचंड ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में घने कोहरे के बीच 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और झांकियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाई और कहा कि हमेशा से सुशासन और न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। बिहार में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित हाईटी पार्टी में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी पर मंत्री अशोक चौधरी बैठे, वहीं पास में बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा बैठे। तीनों नेता आपस में बातचीत करते दिखे। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी के नहीं आने पर कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह डाली है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे लिए यदि कुछ सबसे बड़ा है तो वो देश का संविधान। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में सबसे बड़ा कोई किताब है तो वो देश के संविधान का पुस्तक है। हम लोग आज के दिन मिलजुल कर एक साथ होकर काम करने का फैसला करते हैं। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। आप लोगों ने मुझे जो दायित्व और जिम्मेदारी सौंपी है उस पर मैं खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बेरोजगारी है। बिहार में सियासी हलचल के बीच आईएएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव बनाया गया है और वहीं पटना कलेक्टर शीर्षत कपूर अशोक को पटना का नया डीएम बनाया गया है। 5 जिलों के कलेक्टर का तबादला किया गया है और कई विभागों के सचिव बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि तो बिहार की सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी करके जानकारी दी गई है और आईएएस रजनीकांत लखीसराय के डीएम बने हैं। रजनीकांत 2011 बैच के अधिकारी हैं, 2013 बैच के अफसर। आईएएस नवल किशोर चौधरी भागलपुर और सुब्रत कुमार सेन मुजफ्फरपुर के डीएम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के आप्त सचिव मकसूद आलम को गोपालगंज का डीएम बनाया गया है। आपको बता दें तो 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। इसमें पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह हैं और वहीं नवल किशोर चौधरी जो कि गोपालगंज के डीएम थे और अब भागलपुर के डीएम हो गए हैं। सुब्रत कुमार सेन भागलपुर के डीएम थे, अब मुजफ्फरपुर के डीएम हो गए हैं। और प्रणव कुमार मुजफ्फरपुर डीएम को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। मकसूद आलम को गोपालगंज का डीएम बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री के आप सचिव थे। शीर्षत अशोक कपिल कारा सुधार सेवा के निरीक्षक थे, अब पटना डीएम हैं और गृह विभाग के अपर सचिव के एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रजनीकांत लखीसराय के डीएम बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के जीएम थे। दिल्ली में अमित शाह के घर हुए बैठक के बाद पटना पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, हमेशा के लिए दरवाजा बंद होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला मंजूर होगा। हालांकि सुशील मोदी ने यह भी कहा कि अब ये दरवाजा खुलेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इधर 27 जनवरी यानी कल राजद ने पटना में विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव ने राजद के सभी विधायकों को कल दोपहर 1 बजे पटना बुलाया। इससे पूर्व बीजेपी ने भी पटना में भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई। यह बैठक भी कल शाम 4 बजे बीजेपी ने बुलाई है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने पार्टी के विधायकों को फोन कर पूर्णिया बुलाया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के सभी विधायकों को फोन कर पूर्णिया आने का निर्देश दिया। इससे पहले राजनीतिक गर्माहट के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में
बीजेपी कुछ करने के चक्कर में है, बीजेपी कसरत कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन एकजुट है। बिहार में जारी घमासान के बीच राजद ने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया है। आरजेडी ने कहा कि शाम तक नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर कर दे। राजद ने संकेत दे दिया कि अगर नीतीश ने सफाई नहीं दी तो लालू तेजस्वी बड़ा फैसला ले सकते हैं। मनोज झा ने कहा कि राजद अब तक ये मान रही है कि गठबंधन और सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन संशय का जो वातावरण बना है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, ये संशय का वातावरण ठीक नहीं है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि वे इस संशय को दूर करें। वहीं राजद सांसद मनोज झा के इस बयान पर जदयू ने भी पलटवार किया है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि हमारे नेता को कहा गया है कि वो कन्फ्यूजन दूर करे, तो हमने कहा कि नीतीश कुमार कभी कन्फ्यूजन की राजनीति नहीं किए हैं, उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट यानी सीधा राजनीति किया है। उनके मन में कन्फ्यूजन है वो जाने, हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी पर इशारों ही इशारों में विरोध कर दिया। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जी को मैंने पहले ही कहा था कि जहां आप जा रहे हैं वहां हमेशा परेशान रहिएगा। आज यदि वह परेशान है तो कोई अनजाने में उन्हें परेशानी नहीं मिली है, बल्कि जानबूझकर उन्होंने खुद को परेशानी में डाला है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ जाते हैं, ऐसे में बिहार की जनता के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में यदि वह वापस एनडीए में आते हैं तो इस बार वह वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। वहीं मांझी ने भी खेला होगा ऐसी बात कही है। बिहार में ठंड की मार जारी है। प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में जबरदस्त कोहरा छाया रहा है, साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। आईएमडी पटना ने लिए राज्य के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में शीत दिवस की आशंका भी जाहिर की है। साथ ही पटना सहित समूचे दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिम और उत्तरी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 29 जनवरी तक शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। शीतलहर चलता रहेगा, अगले 5 दिनों तक कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।